आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। जो आपके आने वाली भर्ती हॉस्टल वार्डन अमीन भर्ती और हो गया आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, साथ ही आपका आने वाला एग्जाम है हॉस्टल वार्डन हो गया, एडीओ हो गया है, उसके बाद मैसेज ना करें ना। छत्तीसगढ़ व्यापम और पीएससी में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टोटल हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके छत्तीसगढ़ में आने वाले भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए देखते हैं आज के टोटल छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की होती है? तो आपका छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है आपका शुष्क उपद्रवीय आर्द्र महाजलवायु होती है, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैं पूरा आपको डायरेक्ट आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछा गया है, आपका डी होगा अबूझमाड़ की पहाड़ी। तो आंसर भी मैं डायरेक्ट ऐसा पीडीएफ लेकर आया हूँ जो आपके आंसर भी दिया रहेगा साथ में, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी प्रश्न हैं आपका सीजीपीएससी व्यापम में पूछा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीजीपीएससी व्यापम में पूछा गया है पीएससी 2012 में। निम्नांकित में किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य फैलाव पाया जाता है? जो फैलाव है आपका उपद्रवीय महाद्वीप महाद्वीपी में पाया जाता है, ठीक है, उपद्रवीय महाद्वीपी में पाया जाता है। राज्य में किन महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो राज्य में किन महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है? जुलाई और अगस्त में, सबसे ज़्यादा जुलाई और अगस्त, याद रखना। शीत ऋतु में किस महीने में राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? जो शीत ऋतु होती है ना, आप सभी को मालूम होगा शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु वो कौन कौन सा होता है, यह आपका दिसंबर में सबसे कम वर्षा होती है। जबकि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त अबूझमाड़ जो क्षेत्र है राज्य के कौन से जिला, अबूझमाड़ मतलब नारायणपुर, ठीक है, नारायणपुर जिला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और राज्य के किन किन जिलों में मध्यम यानी कि थोड़ा थोड़ा मात्रा में वर्षा होती रहती है? तो ये आप सभी को मालूम होगा सरगुजा में, महासमुंद, धमतरी, ये सभी चीज़ है जो थोड़ा थोड़ा यानी कि थोड़ा थोड़ा मौसम की वजह से बारिश होती रहती है। फिर यहाँ पर पीएससी 2012 में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्न में से एक होती है, कौन सी? लौटते हुए मानसून से, ठीक है। छत्तीसगढ़ में वर्षा का प्रथम आगमन किसके आसपास बस्तर जिले के दक्षिणतम छोर पर होता है? तो 10 जून, याद रखना, ठीक है, 10 जून से प्रारंभ होता है वर्षा का प्रथम आगमन। जलवायु के आधार पर, मान लीजिएगा जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में जो जलवायु को 3 विभागों में विभाजित किया गया है, वे कौन कौन से हैं आप कमेंट करके बताइएगा। आप लोग तैयारी कर रहे हैं व्यापम पीएससी का, ठीक है, जो लोग छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, हॉस्टल वार्डन, एसआई मेंस, साथ ही एडीओ की तैयारी कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ में आने वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो कमेंट करके जाइएगा कि जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ के लोगों कितने भागों में विभाजित किया है? 3 विभागों में। कौन कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ही जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है, सब कमेंट करके बताएं। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ की पहाड़ी को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी अबूझमाड़ की पहाड़ी को कहा जाता है। और मई माह में राज्य के सर्वाधिक गर्म स्थल, मई की जरूरत नहीं है, सर्वाधिक गर्म स्थान होता है आपका चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा जिला। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा, जो चक्रवाती वर्षा है आपका सरगुजा, ठीक है, कौन सा है? सरगुजा और जसपुर, याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के बाद, देखिए आप छत्तीसगढ़ में मान लीजिएगा है ना,
जो आपका जांजगीर चांपा है उसके बाद सर्वाधिक तापमान किस जिले में मिलता है? तो रायगढ़ जिला, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है ना, जांजगीर चांपा के बाद आपका रायगढ़ जिला आएगा। उसी प्रकार पहाड़ी भागों में स्थित पेंड्रा मैनपाट तथा जसपुर को न्यूनतम पाप वाले क्षेत्र, ऐसा किस कारण होता है? तो देखिए, कर्क रेखा से दूरी के कारण होता है, समुद्र तल से अधिक ऊंचाई के कारण होता है, वनों का अधिक के कारण होता है, यानी कि सभी होगा, बिल्कुल सही है। राज्य में अधिकतम वर्षा किस किन जिलों में होता है? तो सभी जिला में, उसको छोड़ दीजिएगा। छत्तीसगढ़ गर्म महीना मई होता है। छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडे महीने, देखिए ठंडा कब होता है आपका? दिसंबर और जनवरी में, उसको जाड़ का मौसम कहा जाता है। जाड़ का मौसम किसे कहा जाता है? तो जाड़ का मौसम आपका पीएससी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जाड़ का मौसम दिसंबर और जनवरी में। गर्म स्थान बार बार वही पूछा जाता है। न्यूनतम दर्ज ये भी पूछ लिया जाता है। ये भी देखिए, अब छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा मानसून किस शाखा से होती है? तो बंगाल की खाड़ी शाखा से। किससे? बंगाल की खाड़ी। राज्य में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र, जो राज्य है आपका सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, या का दक्षिण पश्चिम लोरमी का पठार। छत्तीसगढ़ भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है? मध्यम वर्षा। कौन सा? मध्यम। छत्तीसगढ़ में किस माह में दैनिक तापमान सर्वाधिक होता है? मार्च महीना में, ठीक है। कौन सा? मार्च। कांकेर व जगदलपुर में किस महीने में अधिक तापमान होता है? मई। ये भी पूछा गया है। राज्य मध्य, ये भी आ गया है। राज्य किस महीने, ये भी पूछा गया है। जलवायु के आधार पर, ये भी छोड़ो उसको। मेघल श्रेणी का कौन सा भाग एक वृष्टि छाया वाला है? जो पूर्व है आपका वही वृष्टि छाया है। देखिए आंसर सी लिया है। मेघल श्रेणी के कारण वृष्टि छाया जगदलपुर है, ये भी क्षेत्र नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वाधिक वर्षा, ये भी देखिए छत्तीसगढ़ में, जसपुर में। जलवायु स्थित तथा कृषि उत्पादन की दृष्टि से राज्य को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? चार, ठीक है। जलवायु परिस्थिति तथा कृषि उत्पादन की दृष्टि से ना, छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन 10 जून, ये भी रिपीट हुआ है। किस जलवायु को छत्तीसगढ़ स्थानीय भाषा में सूरी कहा जाता है? सूरी का मतलब होता है शीतलहर, शीतलहर, शीतलहरों को सूरी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु, ये भी पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु, ये भी आ चुका है बार बार, कोई दिक्कत नहीं ना। 36 देखिए, यहाँ पर 36 क्वेश्चन कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु का आगमन नवंबर में होता है। किस माह के मध्य रहता है? फरवरी, ठीक है। अब टोटल हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु सवाल पूछा जाता है, देखिएगा। ग्रीष्म ऋतु अवधि 16 फरवरी से 15 जून तक। कब? 16 से 15 जून, याद रखना। सर्वाधिक गर्म स्थान मई माह है ना। अब मई के उत्तरार्ध एवं जून के पूर्वार्ध उष्ण शुष्क हवाएं चलती है। सर्वाधिक गर्म स्थान चांपा। सर्वाधिक औसतन तापमान रायगढ़ जिले में, कुछ भाग में बताया था आपको, ठीक है। ये आपका होगा ग्रीष्म। अब वर्षा ऋतु, जो वर्षा ऋतु है आपका, याद रखिएगा, जो वर्षा ऋतु है ना, अवधि 16 से 15। वर्षा ऋतु मतलब 16 जून से स्टार्ट हो जाता है, उसको हम 10 जून से प्रारंभ मानते हैं। 10 जून से प्रारंभ होता है और 16 जून से स्टार्ट हो जाए पानी गिरना, ठीक है। मानसून प्रवेश 10 जून से 15 जून के बीच में, और ये जो स्टार्ट हो जाता है वर्षा ऋतु। अब प्रदेश का 90% इसी ऋतु में होती है। अब प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। औसत वर्षा आपको बताया था ना, 1300 मिमी से लेकर 1325 मिमी है ना, माइनस शाखा के दक्षिण पश्चिम से। अब शीत ऋतु के बारे में जानते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जलवायु वाली क्लास में करा चुका हूँ, ये अब भी मैंने कराया है पूरा, इसके बाद में आपको ये शीत ऋतु वाला क्लास चल रहा है। अवधि 16 अक्टूबर से 15 फरवरी। वर्षा पश्चिम से। ठंडा स्थान मैनपाट। सर्वाधिक ठंडा दिसंबर, सबसे ज़्यादा दिसंबर और जनवरी, ओके। चलिए आज के लिए इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डेली क्लास लाएंगे, ओके। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।